से राइट हम राउंड विकेट चले गए सामने जो कि नितिन है बैटर। पहले गेंद आउटसाइडर लेग स्टंप, अंपायर का इशारा व्हाइट का आता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ इस इनिंग का आगाज होता हुआ, एक रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, एक्स्ट्रा के खाते में यह रन जोड़े जाएंगे जो कि दिनों इस गेंदबाज के द्वारा। एक रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, फिर एक बार खराब गेंद, गेंद निकली जो कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर। चार रन के लिए पहला चौका इस इनिंग का नितिन के बल्ले से, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पांच रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद, मौका दिया बल्लेबाज के लिए हाथ खोलने का, और बड़ा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चार रन के लिए चौके के लिए गेंद निकले। एक गेंद के बाद पांच रन यह हालत स्कोरबोर्ड के ऊपर। नरोबा बॉयज क्रिकेट टीम जो कि बल्लेबाजी करते हुए इस बार शॉर्ट गेंद कट करना चाहते थे जो कि डीप पॉइंट, डीप कवर पॉइंट के रीजन में, लेकिन अच्छी गेंदबाज गेंद इस बार निकली जो कि विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के साथ बिंदी गेंद निकली। वापसी के तौर पर डॉट गेंद डाली गेंदबाज जो कि दिनों ने दो गेंद के बाद पांच रन या हालत स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार जड़ में गेंद डाली, सामने खेला इस गेंद को अपने फॉलो थ्रू में, अच्छी फील्डिंग जो कि दिनों के द्वारा लगातार की दो गेंदे डॉट निकले, और डॉट गेंद के साथ अब तक स्कोर जो कि पांच रन के ऊपर। एक चौका जरूर लगा, अतिरिक्त रन में भी एक गेंद खर्च की, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी। इस बार हल्के हाथ से इस गेंद को दिशा दी, गेंद निकली जो कि गली के रीजन में से डी बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। पहला रन तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे, और जब तक थ्रो निकलता तब तक दो रन इस गेंद पर, दो रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ सात रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इसके बाद का मुकाबला MSC आत्माराम बनाम माधरेम टाइगर के बीच में। दोनों कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाइए। माधरेम टाइगर और उसके साथ MSC आत्माराम, दोनों टीम के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आ जाइए। फिर एक बार बैकफुट पर जाकर बेहतरीन शॉट, डीप कवर पर दो रन आसानी के साथ नितिन के बल्ले से, और इस दो रन के साथ नौ रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहला ओवर जारी, लगभग अगर देखा जाए तो पहले ओवर के पांच गेंद का खेल खत्म होता हुआ आखिरी गेंद इस ओवर की मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर की, और स्ट्राइक गेंद के ऊपर फिर एक बार नितिन है बैटर। शॉर्ट गेंद, फिर एक बार कट का शॉट बैकवर्ड पॉइंट पर नितिन के बल्ले से, एक रन निकला दूसरे की कोशिश, और जब तक का फिर एक बार थ्रो निकलता तब तक दो रन। विकेटों के बीच में आखिर की तीन गेंदों पर डबल रन बने, बेहतरीन दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नितिन और उन्हीं के साथ भट्टो के द्वारा, और दो रन के साथ पहले ओवर के बाद नेल्सन फिगर 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आज के दिन का यह आठवां मुकाबला, दूसरा ओवर लेकर उमेश है गेंदबाज, गेंदबाजी पर पहले गेंद आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तर में, एक अच्छा कैच, पहले विकेट का पतन जो कि भट्टो वापस लौटे गए, जीरो रन बनाकर गोल्डन डक के शिकार, और आते ही उमेश इस गेंदबाज ने सफलता हासिल की अपने टीम के लिए। एक विकेट के नुकसान पर 11 रन यह हाला स्कोरबोर्ड के ऊपर जो कि नरोबा बॉयज क्रिकेट टीम के। भट्टो बैटर वापस लौटे जीरो रन बनाकर, और वन आउट बैटर मैदान पर अब चेतन निकलते हुए नितिन का साथ देने के लिए। पिछले मुकाबले में 51 रन का पीछा आसानी के साथ किया जो कि नितिन के द्वारा, लेकिन इस मुकाबले में निश्चित तौर से आखिर की गेंद तक आपको मैदान पर जमाए रखना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। चेतन स्ट्राइक गेंद के ऊपर इस ओवर के पहले गेंद फेस करने के लिए, न्यू बैटर अब स्ट्राइक गेंद के ऊपर नितिन का साथ देने के लिए। 11 रन एक विकेट के नुकसान पर इस बार फिर एक बार डाउन लेग स्टंप गेंद, अंपायर का इशारा व्हाइट का आता हुआ। अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेंगे, और इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर भी जो कि आगे बढ़ता
बढ़ता हुआ 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण यह मुकाबला जीत हासिल करने के ओर अपने नक्शे कदम बढ़ाती हुई दोनों ही टीम। शॉर्ट गेन बैकफुट पर जाकर फिर एक बार इस गेंद को खेला गली के रीजन में। एक रन मुकम्मल हुआ दूसरे की कोशिश। जब तक पॉइंट पे फील्डर पहुंचते डिप गली पर तब तक दो रन आसानी के साथ मुकम्मल होते हुए। दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक विकेट के नुकसान पर चेतन के बल्ले से ये दो रन निकले और 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी। गेंदबाजी मोर्चे पर उमेश गेंदबाज राइट ओवर द विकेट चले और पिच गेंद सीधे बल्ले के साथ ऑन साइड पर डिप। काउ कॉर्नर पर गेंद निकली डिप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक रन इस गेंद पर बल्लेबाज चेतन के बल्ले से। 15 के ऊपर स्कोर दिखाई देता हुआ एक विकेट निकला जो कि बटो 0 रन बनाकर वापस लौटे जल्द। उसके बाद अगर देखा जाए तो चेतन के बल्ले से सिंगल डबल निकलते हुए और अब स्ट्राइक इन के ऊपर द बिग हिटर नितिन। इस बार बाहर वाले गेंद अंदरूनी हिस्सा लगा गेंद का गेंद जो कि स्लिप पॉइंट पर निकली एक रन निकला। जब तक विकेट कीपर फील्ड करते तब तक सिंगल इस गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी अब तक उमेश के इस ओवर में बड़े शॉट लगाने से रोक रखा है बल्लेबाज चेतन और उन्हीं के साथ नितिन को। अच्छी लाइन और लेन के ऊपर गेंदबाजी शाम के वक्त में अपने टीम के लिए। 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर एक विकेट पर। फिर एक बार अगर देखी जाए तो आउटसाइड ऑफ स्टंप काफी बाहर जाने वाले गेंद। अंपायर के दोनों हाथ बाहें फैलाते हुए व्हाइट का इशारा कमेंट्री बॉक्स में। 17 के ऊपर यह स्कोर पहुंचता हुआ दूसरा ओवर अभी भी जारी मैदान पर। लगभग इस ओवर की बात की जाए तो इस ओवर की चार गेंद का खेल खत्म होता हुआ। खराब गेंद, बीमार गेंद, निश्चित तौर से अंपायर का इशारा आना बाकी लेकिन बैकवर्ड स्क्वेयर के रीजन में एक रन मिला इस गेंद पर। नो का इशारा अतिरिक्त रूप में एक रन, टोटल दो रन इस गेंद पर। बीमार गेंद थी, काफी हाइट के में जाने वाली यह गेंद और इस गेंद पर दो रन। टीम का टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 19 रन। फिर हिट का मौका बल्लेबाज नितिन के लिए। काफी खराब गेंद, बाहर जाने वाले गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप, विकेट कीपर बीट हुए। 22 के रूप में दो रन इस गेंद पर। व्हाइट का इशारा दो रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 21 रन लॉस ऑफ वन विकेट। लंबा चलने वाला यह ओवर अतिरिक्त रूप में काफी रन खर्च किए जाते हुए इस ओवर में गेंदबाज जो कि उमेश के द्वारा। स्ट्राइक इन के ऊपर अब चेतन बैटर। फ्री हिट की गेंद, ऑन साइड पर गेंद निकली मिड विकेट रीजन में। डीप में फील्डर मौजूद। सिंगल बना इस गेंद पर सिर्फ और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभी भी एक गेंद का खेल बचा हुआ है इस दूसरे ओवर का। स्ट्राइक इन के ऊपर फिर एक बार जो कि स्ट्राइक रोटेट होते हुए नितिन बल्लेबाज। ओवर पिच गेंद आड़े बल्ले के साथ तेज तरार शॉट, गेंद निकली मिड विकेट रीजन में, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एक महंगा ओवर निकलता हुआ जो कि उमेश का सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की ओर से और 6 रन के साथ टीम का टोटल 28 रन। 28 रन लॉस ऑफ टू विकेट आफ्टर कंप्लीशन टू ओवर्स। एक विकेट के नुकसान पर 28 रन दो ओवर के बाद। तीसरे ओवर में अंपायर का इशारा जो कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले का आता हुआ। दो ओवर में 28 रन 14 के रन रेट के साथ अब तक बल्लेबाजी नितिन के बल्ले से एक छक्का लगा। उसी के साथ चेतन के बल्ले से अब तक अगर देखा जाए तो गेंदबाजी मोर्चे पर तीसरा ओवर लेकर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर लेकर सिद्धेश गेंदबाज। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद डीप में, उसी के साथ डीप मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद, ऑफसाइड पर डीप, लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले के ओवर में। और स्ट्राइक इन के ऊपर अब चेतन बैटर इस ओवर की पहली गेंद खेलने के लिए। 28 रन अब तक एक विकेट के पर नुकसान पर।
शॉर्ट गेंद, कट का शॉट, शॉट कवर पर रन आउट करने की कोशिश रहेगी लेकिन खराब थ्रो निकला। मौका था बल्लेबाज चेतन को वापस लौटाने का लेकिन इस मौके को आसान मौके को गवाया, रन आउट करने का मौका लेकिन अगर देखा जाए तो खराब क्रिकेट मैदान पर गलत थ्रो निकला। और इसी के साथ सिंगल के साथ टीम का स्कोर 29 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, स्ट्राइक गेंद के ऊपर जो कि नीति ने बैटर इस बार। शॉर्ट गेंद, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, रन लेने की कोशिश, रन आउट का मौका फिर एक बार बनता हुआ लेकिन इस बार गलती सिद्धेश के द्वारा। बार बार मैदान पर गलती होती हुई और इस गलती का फायदा अगर देखा जाए तो सामने वाले टीम को होता हुआ। दो रन मिले इस गेंद पर, दो रन के साथ 31 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। नितिन को मिलता हुआ जो कि मौका हिस्सा इनिंग में। रिवर्स स्वीप, स्पिच हिट का बेहतरीन शॉट, गेंद निकली डीप कवर पर, वन बाउंस ओवर द रोप, चार रन के लिए। एक अच्छा चौका बल्लेबाज नितिन के बल्ले से और इस चौके के साथ टीम का टोटल भी आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 35 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर ये अब तक अगर देखा जाए तो 7 रन खर्च कर देने वाला। इस इनिंग को एक्सेलरेट करते हुए बल्लेबाज जो कि नितिन अपने टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी मैदान पर, बड़े शॉट भी मैदान पर खेले जाते हुए सिंगल के साथ। और पिच गेंद बाहर से खेलने की कोशिश फिर एक बार, खराब क्रिकेट मैदान पर गलतियां बारंबार दोहराई जाते हुए जो कि फील्डर के द्वारा। जिस गेंद पर कोई रन नहीं था उस गेंद पर दो रन निकले और इस दो रन के साथ टीम का टोटल अब 37 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 37 रन लॉस ऑफ वन विकेट। बल्लेबाजी मिली नरोबा बॉयज क्रिकेट टीम को और अच्छी बल्लेबाजी नितिन के द्वारा, उसी के साथ चेतन उनका साथ देते हुए 9 स्ट्राइक गेंद के ऊपर। इस ओवर के अगली गेंद लेकर सीधे चले राइट अबोर्ड द विकेट। जड़ में गेंद डाली, बेहतरीन शॉट, कवर का शॉट, डीप कवर पर खेला, मौजूद फील्डर डीप में एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे जरूर लेकिन अच्छा थ्रो निकला तेज तरार थ्रो। सिंगल के साथ अब स्कोरबोर्ड के ऊपर 38 रन, 38 रन, अच्छी बल्लेबाजी नितिन के द्वारा। अब तक एक छक्का उसके साथ एक चौका लगाते हुए अपने पारी में इस इनिंग में। रिवर्स स्वीप का प्रयास, स्विच हिट का प्रयास लगा तो अबात नहीं तो बर्बाद लेकिन इस बार डॉट गेंद निकली बल्लेबाज चेतन के लिए। 3 ओवर का खेल इसी के साथ खत्म होता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो एक विकेट के नुकसान पर 38 रन, 38 रन लॉस ऑफ वन विकेट। आधे ओवर का खेल खत्म हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान पर चेतन और उन्हीं के साथ नितिन के द्वारा। आने वाले 3 ओवर में कितने रन जोड़े जाएंगे, शाम का वक्त, हवा भी रुकी है मैदान पर और बड़े शॉट खेलने हैं तो आपको निश्चित तौर से ताकत मैदान पर लगानी होगी, बल्ले के ऊपर गेंद लेने होगी, बल्ले गेंद तक पहुंचना होगा और बड़े शॉट लगाने होंगे मैदान पर। आज का दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का गंगल देव स्पोर्ट क्लब ऑर्गेनाइज माद्रेम प्रीमियर लीग 2023 की अच्छी एक प्रतियोगिता जिसका आज का ये दूसरा दिन। इसके बाद का मुकाबला एमएससी आत्माराम बनाम माद्रेम टाइगर के बीच में। दोनों ही कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आप जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए, आपके लिए आखिरी और पहला पुकार रहेगा। पंचांना विनंती असेल की आपण सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे, यानंतर अजूनही 2 सामने आजच्या दिवसातील 6:15 वाजले घड्यात, त्यामुळे आजच्या दिवसातील जर पाहिलं तर वेळ देखील निघून जातोय आणि आजच्या दिवसातील 2 सामने अजूनही बाकी साखळी फेरीतील सामना आपण अगदी लवकर घ्या। दिनू गेंदबाजी मोर्चे पर 14 ओव्हर लेकर, शॉर्ट गेंद बैकफुट पर गए, शॉर्ट कवर पर इस गेंद को खेला लेकिन मिस टाइम कर बैठे बल्लेबाज नितिन, विकेट का पतन होता हुआ। दिनों आते ही विकेट चटकाए, दूसरे विकेट का पतन, टीम का स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विनंती करतोय एमएससी आत्माराम विपक्ष
माद्रेम टाइगर दोड़ी संघ कर्णधार अपन टॉस साठी लवकर लवकर कमेंट्री बॉक्स मध्ये आपल्याला वारंवार विनंती होते अपन टॉस साठी लवकर लवकर कमेंट्री बॉक्स मध्ये न्यू बैटर स्ट्राइकिंग के ऊपर अवधूत इस बार ऑन साइड पर इस गेंद को खेला शॉट मिड विकेट पर गेंद निकली खुद गेंदबाज निकले इस गेंद को रोकने के लिए जब तक फील करते थ्रो करते डायरेक्ट हिट विकेटों पर बल्लेबाज चेतन भी वापस लौटेगा डगआउट की तरफ अच्छी फील्डिंग उसी के साथ बेहतरीन थ्रो निकला नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर डायरेक्ट हिट लगाया विकेटों पर और बल्लेबाज चेतन बैक टू द पवेलियन तीसरे विकेट का पतन हुआ टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर लगातार की 2 गेंदों पर 2 सफलता फिर बार बेहतरीन फील्डिंग रन लेने की कोशिश लेकिन मैदान पर अगर देखा जाए तो तेज तरार थ्रू निकला था नॉन स्ट्राइक एंड पर कलेक्ट नहीं कर पाए और इस गेंद पर अतिरिक्त रूप में 1 रन मिलता हुआ और सिंगल के साथ 40 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर नया बैटर हुआ प्रसाद मैदान पर अवधूत का साथ देने के लिए स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रसाद यह बैटर इस बार लंबा कद बल्लेबाज प्रसाद का ताकत भी है लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी दिनों के द्वारा गोल्डन स्पॉट पर गेंद डाले बल्ले से काफी दूर रखे और फिर एक बार विकेट कीपर के भी हाथों में गेंद रुकते हुए बिंदी गेंद निकली डॉट गेंद के साथ स्कोर रुकता हुआ 40 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर इस ओवर के लगभग 4 गेंद का खेल खत्म हुआ 2 गेंदे अभी भी बाकी और फिर एक बार बेहतरीन विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे अंपायर की तरह ग्रुप मोड़ा स्टंपिंग जरूर हुआ लेकिन बल्लेबाज का पैर अपने पॉपिंग क्रीज में दिखाई देता हुआ लगातार की 2 गेंदें डॉट निकली बल्लेबाज प्रसाद को इस डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर रुकता हुआ 40 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस ओवर की ओवर पिच गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बल्ले का अंदरूनी हिस्सा इनर एज लगे शॉट पर लेग पर गेंद निकली आखिर की गेंद भी अगर देखी जाए तो डॉट गेंद अच्छी गेंदबाजी दिनों के द्वारा चौथे ओवर में सिर्फ अगर देखा जाए तो 2 रन खर्च किए जिसमें 1 सफलता हासिल की और 1 रनआउट खुद दिनों ने लिया अपने टीम के लिए 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर आखिर की 2 गेंदे स्लॉक ओवर की गेंदे ओवर रहेंगे आखिर के 2 ओवर में कितने रन जोड़े जाएंगे इस पहले इनिंग में जो कि नरोबा बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से मैदान पर प्रसाद और उन्हीं के साथ अवधूत ये बैटर मैदान पर दिखाई देते हुए गेंदबाजी मोर्चे पर विशाल गेंदबाज 5वां ओवर स्लॉक ओवर डेथ ओवरों में गेंदबाजी पर विशाल गेंदबाज स्ट्राइक गेंद के ऊपर अब अवधूत बैटर रहेंगे पहली गेंद फेस करने के लिए आखिर की 2 ओवर बाकी इस पहले इनिंग के इस बार स्विच हिट का प्रयास कैच का मौका शॉट पॉइंट पर था लेकिन तेज तरार शॉट गोली की रफ्तार से गेंद निकली डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए अवधूत के बल्ले से स्विच हिट का क्रैकिंग चौका डीप पॉइंट पर और चौके के साथ टीम का टोटल 44 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 10.56 के औसत से अब तक रन बनते हुए मैदान पर
बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छा रन रेट मैदान पर जो कि नरोबा बॉयज क्रिकेट टीम का इस इनिंग में। लेग ब्रेक गेंद, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास साढ़े बल्ले के साथ मिड विकेट लॉन्ग ऑन के रीजन में, लेकिन अच्छी वापसी गेंदबाज विशाल द्वारा, उंगलियां फेरी गेंद पर और गेंद फिर एक बार विकेट कीपर के दस्ते में, बिंदी गेंद निकली, डॉट गेंद निकली, इस बार बेहतरीन गेंद, बैक फुट पर जाकर जगह बनाकर खेलने का मौका प्रयास था बल्लेबाज अवधूत का, लेकिन विकेटों पर गेंद जाकर लगे, विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन, अवधूत वापस लौटे हुए डगआउट की तरफ, 4 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड के ऊपर अब तक 44 रन, पहले बल्लेबाजी करते हुए नरोबा बॉयज क्रिकेट टीम। कुछ देर के लिए लगा था कि बल्ला लगा कि पैर लगा, लेकिन अगर देखा जाए तो अंपायर की अच्छी निगाह है, वाइड गेंद का इशारा, 47 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 47 लॉस ऑफ 4 विकेट, 47 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आखिरी गेंद इस ओवर के, फिर एक बार शफल होकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन डॉट गेंद के साथ ये ओवर खत्म होते हुए 5 ओवरों के बाद 47 रन, 4 विकेट के नुकसान पर आखिर का ओवर बचता हुआ इस पहले इनिंग का, कितने रन जोड़े जाएंगे, 10, 12 या 15 रन इस आखिर के ओवर में, कितने रन का टारगेट सेट किया जाएगा सामने वाले क्रिकेट टीम के सामने, और निश्चित तौर से वो कौन सा वो गेंदबाज रहेगा जो डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए आएगा। गेंदबाजी मोर्चे पर आखिरी ओवर लेकर सावलो ये गेंदबाज, 6 गेंदे बाकी, स्ट्राइक गेंद के ऊपर प्रसाद है बल्लेबाज, विनंती असेल पंचांना की सामना आपण लवकर चालू करा, बराचसा उशीर होतो, यानंतर अजून 2 सामने आजच्या दिवसातील बाकी, इस बार शॉर्ट गेंद बैक फुट पर गया, ऑन साइड पर इस गेंद को खेला मिड विकेट रीजन में, 1 रन सिर्फ सिंगल इस गेंद पर प्रसाद के बल्ले से, सिंगल के साथ 48 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 48 रन आखिर की 5 गेंदे, सावलो गेंदबाजी मोर्चे पर, पहली गेंद पर सिंगल तो बना, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट होते स्ट्राइक गेंद के ऊपर, अब बल्लेबाज जो कि सदा दिखाई देते हुए, इस बार शॉट अंपुल का शॉट मिड विकेट के रीजन में, गेंद हवा में खड़े हुए, आसान सा कैच बना फील्डर के लिए, बड़ा शॉट खेलने का जरूर प्रयास हुआ लेकिन मिस टाइम कर बैठे, और बल्लेबाज सदा आउट होकर मैदान के बाहर लौटे हुए, 5वें विकेट का पतन, स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए तो 48 रन के ऊपर रुकता हुआ, बल्लेबाज साहब जल्द से जल्द बाहर आ जाए, बड़ा सा अगर देखा जाए तो काफी समय निकलता हुआ।
नया बल्लेबाज अब अर्जुन स्ट्राइकेन के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पर 48 रन। इस बार काफी बाहर जाने वाले गेंद अंपायर का इशारा, यस इट इज व्हाइट गेंद, काफी बाहर जाने वाले गेंद अंपायर का इशारा व्हाइट का था। वह अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर जो कि 49 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। शॉर्ट गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, आवाज भी निकली थी लेकिन विकेट कीपर बेड हुए, गलती हुई विकेट कीपर के द्वारा। सिंगल के साथ 50 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर नरवा बॉयज क्रिकेट टीम जड़ते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 50 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। स्ट्राइक गेंद के ऊपर प्रसाद लोअर फुल टॉस गेंद, आड़े बल्ले के सहारे इस गेंद को खेला, ऑन साइड पर मिड विकेट पर गेंद निकली, डीप में से जब तक थ्रो करते तब तक इस गेंद पर 2 रन निकले। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में फिर एक बार प्रसाद के द्वारा और 2 रन के साथ अब स्कोर 52 रन, 52 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आखिर की 2 गेंदें इस ओवर की, शॉर्ट गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, इस गेंद को खेला डीप फॉरवर्ड पॉइंट के रीजन में, गेंद निकलते हुए 1 bounce 2 bounce ओवर द रोप, काफी तेज तरह शॉट 4 रन के लिए चौके के साथ टीम का स्कोर अब 56 रन, 56 रन लॉस ऑफ 5 विकेट। आखिरी गेंद डॉट के साथ इस इनिंग का आगाज इनिंग खत्म होते हुए पहले इनिंग का खेल खत्म हुआ। स्कोर बोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर और 57 रन का टारगेट जो कि सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम के सामने। आने वाले 6 ओवर में 57 रन का पीछा किस तरह से किया जाएगा ये बताने के लिए फिर एक बार कॉमेंट्री बॉक्स में जुड़े जाते हैं योगेश परब के साथ।
धन्यवाद सुमेत। आजच्या दिवसातील अजून दोन सामने बाकी आहेत। चालू असलेला सामना सिद्धिविनायक विपक्ष दारोबा बॉईज 57 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उमेश आणि सावळ ही जोडी मैदानावर आणि गोलंदाजी पार्कवर गोलंदाज पाहायला मिळतोय। गोकुळदास आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू धाव फलकावर गांडला गेलाय। हलक्या हाताने घेऊन काढतोय। एकेरी धाव सकेरी पावलं वाहिले आहे मैदानावर। एक धाव ही धाव फलकावर श्री गणेश झालाय धाव फलकावर। एक धावी धाव फलकावर। स्वीपचा फटका टोलवायचा होता, बहारदार फटका टोलवायचा होता मैदानावर। बैठक शॉट खेळायचा होता। लिस्टिकच्या बाहेरचा चेडू पंचारी गोलंदाला दंडात्मक केल्याशिवाय चेडूच्या स्वरूपात सांख्यिक धावपलक धावपलकावर दोन धावा धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतील। पुढे सरसाव सुंदर फटका टोलावलाय। क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू जातोय तो सीमारेषा बाहेर। वन बाउंस चार धावांसाठी डीजे विघ्नेश। पुढे सहस्वाधिकारी फटका पाहायला मिळतो। क्षेत्ररक्षक घेतो स्केजवर पहिल्या प्रयत्नात प्रतिची पेग अतिशय जलबाजी न करायची होती मैदानावर। एकेरी धाव संख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर सात धावा धावफलकावर सात धावा धावफलकावर हा लेखा चुका मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय। गंगालदेव स्पोर्ट क्लब आयोजित GDSC बॉईज माद्रेम प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट चरण संग्राम हलक्या हाताने घेऊन काढते। पोलोत्रमध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण केलं होतं। गोकुळदास सुंदर गोलंदाजीचा निर्वाळा। सकाळच्या सत्रापासून आज उमेशनं बोलबाला चालवलाय बिबड्या पण उमेशला साथ नाही दिली मैदानावर। हलक्या हाताने या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। एकेरी धाव सकेरी सांख्यिक धावपलक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळाला आठ धावा धाव फलकावर। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा टीम मीटिंग मित्रांनो हा वेळ नाही आहे टीम मीटिंग लावायचा। आपल्याला विनंती असेल लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा। सत्तावन्न धावा करायचा आहेत। तीस चेंडू विजयासाठी 49 धावांची आवश्यकता। तीस चेंडू 49 धावा आठ धावा धाव फलकावर। गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज प्रसाद सज्ज होतोय। फटका टोलवायचा होता आडव्या बॅटने। पायची चेष्टांच्या समोर हाडायला होतोय उमेश। माघारी परतावा लागेल पायचीच्या स्वरूपात लेग बिफोरच्या स्वरूपात पहिला हात बसतोय सिद्धिविनायक संघाला। बॅक टू द पॅव्हिलियन उमेश डीजे।
खेळाडू मैदानावर जीवन पावलं टाकतोय। प्रसादनं काम केलंय मैदानावर, बैठक शॉट खेळायचा होता उमेशला, 57 धावांचा फाटलाक मैदानावर करायचंय, 8 धावा धावफलकावर, 8 वेगवेगळ्या फटके टोलवायचा प्रयत्न करतायत वारंवार, निर्धाव चेंडू धावफलकावर गणले जातायत। संध्याकाळचं सत्र या ठिकाणी वाऱ्याचा वेग अतिशय पूर्णपणे थांबलेला आहे आणि त्यानंतर अशा वातावरणात एका बाजूर मोठे फटके मारणे थोडस कठीण होतं, ताकद दाबावी लागते। पुन्हा एकदा बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आहे जीवनचा, शरीरष्टो चेंडू वाढवला जातोय, एक या धावसंख्येनं सांख्यिक धावपलक धावफलकावर 9 धावा धावफलकावर येणाऱ्या काल खेळामध्ये एका बाजूने या मैदानावर एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे आणि मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना रोखून ठेवलं गेलंय सुरुवातीपासून। बॅकपोटला जाऊन सुंदर फटका स्क्वेअर चाकावरचा दिशेला, क्षेत्ररक्षक चेंडू असून धोवळ असा तो एक धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे जरूर वळली आहेत आणि दोन या धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय 11 धावा धावफलकावर। समाप्तीनंतर सिद्धिविनायक संघ 57 धावांचा पाठलाग करते आहे मैदानावर, उर्वरित 18 चेंडू आडव्या बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता। गोलंदाजी मार्ग पर गोलंदाज पाहायला मिळतो, दोन्ही तीन फलंदाजीमध्ये सक्षम, एका बाजूने गोलंदाजीवर या मैदानावर झळकला जातोय, निर्धाव चेंडू धावपलकावर काढला जातोय 24 धावपलकावर। शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू होता, थोडीशी दिशा दिली आहे चेंडूला, डीप फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक चेंडूचे शर्तीचे प्रयत्न, सुरेख क्षेत्ररक्षण केलंय मैदानावर, संघासाठी 2 धावा वाचवल्या आहेत या 2 धावसंख्येनं, पावशतकी खेळ पूर्ण होत 26 धावा धावफलकावर। गती परिवर्तनाचा चेंडू काम करून गेलाय मैदानावर, सुंदर गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी मैदानावर, धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल। सांघिक धावपलक धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतो एका केबिलवाडी परिस्थितीमध्ये 26 धावा धावफलकावर।
खोलवर टप्प्यावर चेंडू पोटाफटका खेळ संवेग बाद पद्धतीचा बॅचर शिखर लागू चेंडू सुदर्शित रक्षण केलं यशरक्षकानं एक घेत अवसंख्येने सांघिक धावपल धावफलकावर 27 धावा या धावफलकावर पाठलाग करायचा आहे मैदानावर एका बाजूने 57 या धावसंख्येचा हात खोलावे लागतील मैदानावर सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय टप्पा पडला तर आतमध्ये होते का सुंदर षटकाची आली सांगता ती मात्र नितीनची सांघिक धावपल स्थिरावला गेला 27 धावा धावपलकावर 57 धावांचा पाठलाग करत असताना उर्वरित चौचने 12 चेंडू विजयासाठी 30 धावांची आवश्यकता 12 चेंडू 30 धावा हे समीकरण आहे मैदानावर बारा चेंडू विजयासाठी 30 धावांची आवश्यकता सामन्याला सुरुवात करा मित्रांनो गोलंदाजी बरीकवर गोलंदाज कॉमेंट्री बॉक्सात दूरकंड सज्ज होतोय तो मात्र गोकुळदास सुरेखा गोलंदाजी सुरेखा गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली ऐन मुकेशने फिंगर रोल केले 11 चेंडू विजयासाठी आता मात्र सिद्धिविनायक संघाला 30 धावांची आवश्यकता 11 चेंडू 30 धावा हे समीकरण आहे मोठा फटका पाहायला मिळतोय लॉग ऑफच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतोय परतीची फेक एकेरी धावसंख्येची पाऊल ही चौकमीच्या धावसंख्येकडे दुवेरी धावसंख्येने फलंदाजाला नमस्कार करावा लागेल मैदानावर नवीन फलंदाज त्वरित मैदानामध्ये चला आडव्या भेटणं फटका पाहायला मिळतो डीप मिड विकेट कडून क्षेत्ररक्षक वेगाने येतोय नितीन स्क्रीनवर परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येने पावलं वळले एक या धावसंख्येने सांघिक धावपळ धावपळकावर पाहायला मिळतोय तो फुल टॉस चेंडू क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतायत पंच या मैदानावर 9 इशारा करतायत पाहिजे एका खेळाडूला मैदानावर धावशीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल येणारा चेंडू होता फ्रीट पण काय चुकलंय मैदानावर कॉल चुकला चुकलेला कॉल मैदानावर फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन एकतीस धावा या धावफलकावर कितके बॉल
पहिला चेंडू निर्धावत आहे तर एक तीन तीन बॉल सुंदर फटका पाहायला भेटतो आडव्या बॅट फ्रीचा चेंडू आहे जरा रोहितला या ठिकाणी टोलावलाय एकेर धाव सकेर सांख्यिक धावफलक धावफलकावर 32 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक 5 प्रगती पथावर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय उर्वरित अजूनही 2 चेंडू बाकी आहेत आणि या गोकुळ असे 2 चेंडूंवर तुटून पडावं लागेल मैदानावर सिद्धिविनायक संघाच्या फलंदाजाला 2 मोठे फटके पाहिजेत मी म्हणेन सुंदर फटका पाहायला भेटतो क्षेत्ररक्षक प्रोटेक्शन तैनात आहे क्षेत्ररक्षक थोडासा लांबवलाय मैदानावर एक धावसंख्येत रूपांतर होतं एक या धावसंख्येत सांख्यिक धावफलक धावफलकावर 33 धावा धावफलकावर सत्तावन्न धावांचा पाठलाग करत असताना हा चेंडू टोलवायचा होता खराब चेंडू होता शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू होता हुकचा फटका खेळायचा होता पुलचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता मैदानावर पण या ठिकाणी गती परिवर्तनाचा चेंडू काम करून गेलाय उर्वरीचे 6 चेंडू आणि विजयासाठी आता मात्र समीकरण असेल मैदानावर 6 बॉल सत्तावन्न धावांचा पाठलाग करत असताना 33 धावा या धावफलकावर लगावल्या जात आहेत आणि 6 चेंडू विजयासाठी आता मात्र मैदानावर एका बाजूनं फटकेबाजी ही आक्रमण करणारी आपल्याला पाहायला मिळते पण आक्रमण करणारे फटकेबाजीला एका बाजूनं सहा चेंडू 24 धावांची आवश्यकता 6 चेंडू 4 मोठे फटके आज स्ट्राइकला देवेश फुल टॉस चेंडू आडव्या बॅट ना फटका क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी 4 या धावसंख्येने सांघिक धावफलक धावफलकावर पाहायला मिळतो 37 धावा या धावफलकावर 37 धावा धावफलकावर समीकरण 5 चेंडू 20 धावा गोलंदाजी मार्गावर रवी सज्ज होतो स्ट्राइकला देवेश नॉ स्ट्राइकला मोहन ही जोडी मैदानावर 5 चेंडू विजयासाठी 20 धावांची आवश्यकता शॉर्ट पे प्रकारचा फटका फसलाय मैदानावर देवेशच्या आशा थोड्याशा मागे राहिल्यात स्वप्निल 4 चेंडू विजयासाठी 20 धावांची आवश्यकता स्वीपचा बहारदार फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी पहिल्या प्रयत्नात चुकतो एकेरी धाव संख्येनं सांघिक धावफलक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळालाय 38 धावा धावफलकावर 57 धावांचा पाठलाग करतोय रवीनं काम केलंय मैदानावर कारण देवेशला बाद केलंय फटका फसलाय धोक्याची घंटा वाजली आहे मोहनची मैदानावर
नवीन खेळाडू मैदानावर दिनू जातोय। सुंदर चेंडू, सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू धावफलकावर काढला गेलाय। सुंदर गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवर मोठी धावसंख्या, त्यानंतर मैदानावर अनुभव पणा लावलाय रवीनं, मैदानावर प्रतिस्पर्धी संघाला रोखून ठेवलंय। सुंदर चेंडू, मॅच समाप्त होते, या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच। या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच 26 धावांचे 12 तारखे सुंदर गोलंदाजी करत कमी धावसंख्या जर आपल्या गोलंदाजीमध्ये दिली, एक खिलाडी सेना बरोबर षटकारांची आतषबाजी, नितीन ठरतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच।